आगरा पुलिस ने चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र में चोरी करने वाले 5 शातिरों को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से नकदी और सामान बरामद किए। चोरों ने थाना क्षेत्र में 9 चोरी की घटनाओं को कुबूला है। थाना न्यू आगरा पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर कल्याणी हाईटेक के पास से 5 चोर और लुटेरों को अरेस्ट किया। आरोपी 3 मोटरसाइकिल पर सवार थे और न्यू आगरा क्षेत्र में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। खंडानी चौराहे पर पुलिस को देखकर लुटेरे ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर दबोच लिया। देखिए, थाना न्यू आगरा पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम नगर जोन में इनके संयुक्त रूप से एक बहुत बड़ा चोरी, टप्पेबाजी और लूट करने वाला गैंग उसको पकड़ा है और इस गैंग ने स्वयं से की हुई 9 घटनाएं कबूली हैं और इन घटनाओं में चोरी की हुई जो भी धनराशि, बहुमूल्य सामान, ज्वेलरी, टीवी, मोबाइल फ़ोन उनकी बरामदगी हुई है। इस गैंग के 5 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। इनके ऊपर लगभग दर्जनों मुकदमे शहर के और आसपास के जनपदों के विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं। इनके गैंग के 2 अन्य साथी पहले की हुई चोरियों में जेल जा चुके हैं। एक बहुत बड़ा इनका नेटवर्क है। ये इनका मोडस ऑपरेंडी सामान्य तौर पर तो ये घरों का ताला तोड़ के, जो आप डिवाइस यहाँ पे रखी हुई देख रहे हैं, इनकी मदद से ताले तोड़ के और दरवाजे तोड़ के बहुमूल्य सामानों की चोरी करते थे। ज्वेलरीज की, कैश की, घर में रखी हुई महंगी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, घड़ियाँ, इन जैसे सामानों की चोरी करते थे। साथ ही साथ पूछताछ में ये भी सामने आया है, कई बार इन्होंने टप्पेबाजी और लूट जैसी घटनाओं को भी अंजाम दिया। जब इनको चोरी जैसी घटना में सफलता नहीं मिलती थी, ये टप्पेबाजी और लूट करके, स्नैचिंग करके बहुमूल्य सामग्री पाते थे और उसको बेच के धनार्जन करते थे। सर, कितने कैश और ज्वेलरी कितने कीमत की लगभग रिकवर हुई है? देखिए, बहुत सारी ज्वेलरी है, कीमत का एस्टिमेट किया जा रहा है। 32,000 रुपये कैश हुए हैं, मोबाइल फ़ोन है, आईफोन है, 2 LED TV है और जो तमाम घटनाओं में चोरी गई हुई हमारी ज्वेलरी थी वो बरामद हुई है। हम ये कह सकते हैं सेफली कि लगभग 80-90% रिकवरी हमने इसमें कर ली है और आगे भी जो कार्रवाई है हम वो कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि जो पूरी चोरी हुई है सारी की सारी 100% बरामदगी करके हम उसको वापस कराएं।